हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो और एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड हो। मेरे सपने भी कुछ ऐसे थे, पर कब इन सपनों ने मुझे भिखारी बना दिया मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, मेरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब तक नहीं आया यार, ये पता नहीं कब आएगा। मैडम जी, किसका वेट कर रहे हो? हाँ, मैं बॉयफ्रेंड आने वाला है। अरे सच बता दो, कोई नहीं है तो हम खाली हैं। आ गया। You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you, face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth. Arre chalo baby, वैसे कब से खड़ी हो यहाँ? मैं नहीं बात कर रही आपसे, इतना लेट कौन आता है? आपको पता है ना मैं धूप में काली हो जाती हूँ। अरे थोड़ा सा ही तो लेट हुआ यार, सॉरी। हाँ बेबी सॉरी ना। अच्छा आप बॉयफ्रेंड हो इनके? हाँ मैं ही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें कहीं देखा है? कहाँ देखा है, कहाँ देखा है यार, याद नहीं आ रहा। यार देखा तो है यार, याद आ जा तेरे दिमाग। हाँ याद आ गया, पिछले सिग्नल पे भीख मांगते हो ना आप। अबे कौन है तू, मेरी गाड़ी के आगे आके मरेगा? अरे भैया जी, दो दिन से हमने कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे देते। अबे पैसे चाहिए तो साइड में खड़ा रहता ना, मेरी गाड़ी के आगे आके मरेगा क्या? अरे भैया जी, तुम भी किन भिखमंगों से भीख मांग रहे हो, ये तो खुद भिखारी लग रहे हैं। अबे छोड़ ना, हमें लेट हो रहा, सुबह सुबह भिखारियों के मुंह नहीं लगते। छी, पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? कसम से यार मैंने इन्हें देखा है, पर हाँ हम शक्ल भी हो सकते हैं। अरे बेबी पागल है, चलो यहाँ से चलते हैं। अबे चला यहाँ से। यार लग तो वही भिखारी रहा था, क्या करूं, सिग्नल पे जाके चेक करता हूँ। तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना, तारे चाने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोटे उत्ते सिर रखिया, एतों सच्ची समा भी हसीन। अरे बेबी मैं नहीं जाऊंगी इसमें, मैं काली हो जाऊंगी धूप में, और इसमें तो एसी भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, दूसरी गाड़ी में बैठ जाओ, चलो। भाई वो लड़का तो ऐसे पीछे पड़ गया था कि भाई तू ही भिखारी है, तू ही भिखारी है। मैंने तो उसे बोल दिया कि हम शक्ल भी तो होते हैं। अरे भैया जी बहुत सही करा, अगर भाभी जी को पता पड़ जाता ना भाई कलेश हो जाने थे। सही बात है भाई, चलो कोई नहीं, भीख मांगने भी जाना जल्दी। हाँ, चलते हैं। चल, चल, चल। अबे भाई यार अब तो बता दो यार, तुम सच में भिखारी हो ना? भाई कैसी बात कर रहे हो यार तुम, मैंने तो आपको पहले बताया ना कि हम शक्ल भी होते हैं भाई। वो बोलते ना एक फेस के सात लोग होते हैं, तो क्या पता। अब यार छोड़ इसे, चलते हैं। अबे यार बता दो यार, तुम ही हो यार, मुझे याद है भाई मैंने तुम्हें ही भीख दी थी। अरे भाई हम भिखारी थोड़ी, पागल है क्या तू, कैसी बात कर रहा है। अबे यार भाई सच बता दो यार कि तुम ही भिखारी हो। अरे भाई तुम पागल हो, हमें तुम्हें कितनी बार बताया कि भाई हम भिखारी नहीं है, भिखारी नहीं है। हम भिखारी लगते हैं तुम्हें? यार लगते तो नहीं हो, पर यार चलो यार हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलते हैं। यही भीख मांगता वो, अभी दिखाता हूँ, लाइव प्रूफ मिल जाएगा, आ जाओ। क्या भाई आज ना मेरी मोटी कमाई होगी पर। भाई मेरे ना सिर्फ 15,000 हुए हैं, और तुझे पता है इस महीने ना खाली 2 करोड़ रुपए की कमाई हुई। अरे यार गाड़ियों का भी इतना खर्चा, इतना लाखों का तो तेल डल जाता है। अबे तेल की बात तो छोड़, तुझे पता है कल ही 25 लाख का नया फ्लैट लिया है, तुझे इसलिए नहीं बताया, क्या पता तू छीन ले। अबे पागल तुझे क्या पता, मैंने 25 लाख का नहीं, मैंने 50 लाख का लिया। प्रिंस तुम सच में भिखारी हो? बेबी तुम इसकी बात पे यकीन कर रही हो? तू पागल है कि मेरे पीछे क्यों पड़ा है? ना मैं तुझे जानता हूँ, ना तू मुझे जानता है, हैं? हाँ मैं आपको नहीं जानता, मैं इन्हें जानता हूँ, क्योंकि मेरे पड़ोस में रहती है, पता है मेरे पड़ोस में एक ही लड़की कुंवारी है। ओ भाई चुपचाप चला यहाँ से, क्या बोल रहा है? वैसे मैं शनि मंदिर के पीछे लंगर दे रहा हूँ परसों। भाई वैसे कौन सी जगह लंगर दे रहा है? अरे मधुबन चौक पे रोहिणी में। भाई वैसे कितने बजे? 2 बजे। देख ली इनके औकात, भंडारे के पीछे भग रहे दोनों के दोनों। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वो ना मैं बहुत धार्मिक सा इंसान हूँ, तो हम कैसे पैसा भी बहुत है तो लंगर करवाते हैं हम भी, तो जैसे लंगर कर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ गरीबों में थोड़ा बांट देंगे हम भी। तुम्हें पता भी है भिखारी की जिंदगी कितनी टफ होती है,
कभी कोई 10 रुपए देता है, कभी कोई 2 रुपए देता है, कितनी मुश्किल से घर चल पाता है। वैसे तुम्हें इन सबके बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? अरे भैया जी ना डेली जाते हैं गरीबों में लंगर कराने। बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, अभी कपड़े चेंज करके आए होंगे, यहीं भीख मांगते हैं, आज नहीं तो कल तो दिख ही जाएंगे। अब यार क्यों दिमाग खराब कर रहा है, चला यहाँ से। बेटा आज नहीं तो कल तुझे पकड़वा के जरूर आऊंगा। अरे जीतू हमें लग रहा है कि तुम्हारी भाभी को शक हो रहा है कि हम भिखारी हैं। अरे भैया जी काहे टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा। अरे जीतू पर अगर उसे पता चल गया सच में तो वो तो हमें छोड़ देगी ना। अरे भैया हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, दूसरी भाभी बना लेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है यार, हम प्यार भी तो करते हैं उनसे। भैया जी प्यार तो ठीक है लेकिन सच बताए ना, अगर भाभी को पता पड़ गया ना तुम भिखारी हो तो छोड़ सकती है। अरे छोड़ो इन सब बातों को, लेट हो रहा है, भीख मांगने भी जाना है। अरे भैया जी भीख मांगने बाद में चलेंगे, अभी भाभी वेट कर रही है, वहाँ जाना है। वैसे बेबी आपने कोई बताया नहीं आप करते क्या हो? तो कैसी बात कर रहे हो बेबी, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, लाखों बंदे काम करते हैं मेरे अंडर। तुम्हें पता है वो सिग्नल, मेरा मतलब जो सिग्नल है ना उसके बाजू बहुत सारी फैक्ट्री है, वो सारी अपनी तो है ना। अच्छा ठीक है मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ तुम्हारी फैक्ट्रीज देखने। अरे भाभी जी वो ना फैक्ट्रीज तो अभी स्टार्ट करी हमने, हमारा ना दुबई में बिजनेस चलता है। दुबई में? अरे वो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है ना, तो बड़ी बड़ी कंट्रीज में चलता रहता है। इस बार का कितना प्रॉफिट हुआ है? यही कोई 7-8 करोड़। इतना ही हुआ इस बार का, इस बार तो घाटा हो गया, पिछली बार कितना 15 करोड़ था ना। हाँ ठीक है बेबी मैं भी चलती हूँ। यार डाउट हो रहा है मुझे, कहीं वो सही तो नहीं बोल रहा था, ये सच में भिखारी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कुछ भी सोच रही हूँ मैं, ऐसा थोड़ी होगा भाई। खामखा लेट करवा दिया उसने, भीख मांगने भी जाना है यार। भाई काम करता हनुमान मंदिर पे चलते हैं, वहाँ पे ना लंगर चल रहा होगा, खाना अलग से मिलेगा और भाई लोग आएंगे, भीख अलग से मिलेगी। अच्छा जल्दी चल। और वो मेरी गर्लफ्रेंड को समझाते समझाते थक गया कि मैं भिखारी हूँ, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अबे ऐसा क्यों देख रहा है, तुझे पता है कौन हूँ मैं? अबे मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ हाँ सब पता है, भिखारी है तू। अच्छा आपको पता है? अच्छा तो इतनी सारी गाड़ियाँ आपने भीख मांग के लिए? पागल है क्या, बिजनेस करके लिए। अच्छा वो छोड़ा, आप मुझे बता रहे थे कि ये गाड़ी आपने सट्टा खेल के लिए। देख भाई तुझे तो पता है मेरे पास बहुत पैसा है, आज ना सबसे बड़ा सट्टा खेलेंगे, ठीक है चल मेरे साथ। एक काम करता हूँ इस बार ना सारी गाड़ियाँ सट्टे में लगा देता हूँ, उससे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रख पाऊँ। हाँ भाई मैं बोल रहा था कि इस बार ना कुछ बड़ा सट्टा लगाते हैं, मुझे ना बहुत सारा पैसा जीतना है। तो एक काम कर, तेरे पास सबसे महंगी जो कार है ना उसको लगा, जितना बड़ा सट्टा लगाएगा ना उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो जाएगी। एक काम करो तुम सट्टा लगा दो, हाँ वो जो मेरी सबसे महंगी वाली गाड़ी है ना उस पर लगाओ सबसे पहले, ठीक है? आज शाम के मैच पर लगा दो। ओए जाना नहीं है क्या? चुप 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 उसके सामने मत बता, चुप चुप चुप। हाँ भाई सुनो तुम ना सट्टा लगा दो, मैं शाम को आता हूँ पैसे लेने, मुझे पता है मैं ही जीतने वाला हूँ, ठीक है बाद में मिलते हैं, चल चल जल्दी चल। भाई तुझे पता है मैंने ना अलग अलग जगह पे बहुत सारा सट्टा लगा दिया और तू सारी गाड़ियाँ मेरी सट्टे में लगा दी और तेरी स्कूटी भी लगा दी। मेरी स्कूटी किससे पूछ के लगाया तूने? तो क्या हुआ तू मेरा दोस्त नहीं है? दोस्त है पर मेरी स्कूटी क्यों लगा दी? अरे तो क्या होगा मेरा दोस्त नहीं है तू? अच्छा गुस्सा मत करना, मैंने ना तेरा घर भी लगा दिया सट्टे में। मेरा घर? भाई तू घबरा मत, हमने ना अभी इतना सारा सट्टा लगाया है ना, देख हम इससे करोड़ों रुपए जीत जाएंगे, फिर मैं ना तुझे बहुत बड़ा महल डाल के दूंगा, ये तो छोटा मोटा घर था यार। अगर हार गए तो? अरे उसका तो मैंने सोचा नहीं, तू टेंशन मत ले। चल दूसरी जगह सट्टा लगाने जाना, चल चल। भाई हम सट्टा तो खेलने जा रहे पर फिर से हार गए तो? अरे भाई तुझे डरने की जरूरत नहीं है यार, देख 3-4 जगह सट्टा लगाया बहुत सारा पैसा जीतेंगे हम, ऐसे घबराया मत कर तू। यार तेरे सट्टे के चक्कर में अगर मेरा घर भी चला गया तो? भाई तू चुपचाप चले यार। भाई अगर हम लोग सट्टा जीत गए तो कितना पैसा होगा ना हमारे पास में। वैसे इसके पहले कितने बार सट्टा जीता है तू? भाई मैं सट्टा बहुत बार खेला हूँ पर मैं जीता नहीं हूँ आज तक यार, पर अब मैंने ज्यादा पैसा लगाया ना मैं पक्का जीतूंगा। तुझे पता है मैं 3 महीनों से लगातार हार रहा हूँ। वो सब छोड़ अब बता कितने की लगाना है तुझे।
और एक समय ऐसा आ गया कि जब मैं सट्टे में सारा पैसा हार चुका था। बेटा सब कुछ तो हार गया है तू और तेरी गाड़ियां भी। भैया जी सब कुछ हार गए हैं हम। वैसे कितने पैसे हारे हम? अरे भैया जी बचा ही क्या है, सब कुछ तो हार गए हैं। हमने आपसे मना किए थे सट्टा मत खेलो, सट्टा मत खेलो। अरे इसमें हमारी क्या गलती है, भीख मांग के एक एक रुपया जमा करते हैं। हमें लगा सट्टा खेलेंगे तो एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाएगा जिससे हम तुम्हारी भाभी को खुश रख पाएंगे। अरे तो अब कैसे भाभी को खुश रखोगे, अब तो एक रुपया भी नहीं बचा हमारे पास। देखते हैं यार कुछ जुगाड़ करते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, हम तेरी भाभी को सब सच्चाई बता देंगे कि हम भिखारी हैं। अरे भैया पागल हो गए हो का, तुम उससे बोलोगे हम भिखारी और वो मान जाएगी? कोशिश करते हैं, चल पहले अच्छे कपड़े पहन के तेरी भाभी के पास जाते हैं। वो एक मिल गई यार। हाय यार आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी, देखो मेरे फोन में। यार मुझे स्टिल बिलीव नहीं हो रहा। मैंने पहले ही बोला था कुछ नहीं है उसके पास, दिखा रही है वो, मुझसे कर लो सेटिंग, कमी नहीं आने दूंगा, मजे करवा दूंगा। चेक वार है मेरे पास, अब बनेगी गेम। भैया जी भाभी आने वाली है ना? हाँ यार फटे कपड़े तो नहीं दिख रहे ना? ना ना अच्छे हैं। अरे आ गई। अरे बेबी आप आ गई? नहीं मैं भी आऊंगी, दिखता नहीं तुम्हें मैं यहाँ खड़ी हूँ? अरे इतना गुस्से में क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें? मुझे पता चल गया तुम भिखारी हो, रुको ये देखो। अरे बेबी मैंने तुम्हें बताने वाला था, देखो मैं मानता हूँ मैं भिखारी हूँ, ऐसी बात नहीं है मैं भिखारी हूँ, पर कैसे मैं बड़ा भिखारी हूँ, मतलब बहुत पैसा है हमारे पास। भाभी जी बहुत पैसा है हमारे पास, बहुत। हाँ बहुत पैसा है। पैसे का मैं चार डालूंगी, जब मैं किसी को बताऊंगी तो क्या बताऊंगी, मेरा पर्सन भिखारी है। देखो जैसा भिखारी भिखारी मत बोलो, भिखारी भी एक ब्रांड होता है, आपको पता नहीं हमारी लाइफ कैसी है, 2-3 करोड़ महीने का कमा लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रखी हैं, तो क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं रहे। अरे बेबी ये सब किसने बताया आपको? भाई लगता है भाभी जी को सब सच पता पड़ गया। अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम भिखारी कहीं का। अच्छा से लग गया तूने मेरे प्यार का। भाई ये कौन है? प्रीत आजा। Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking. हाँ, जीप लेके जाता है। अबे जैक वार है मेरे पास, जैक वार। अरे बेबी चलो ना, ऐसे भिखारियों के क्या मुँह लगे। भाई बहुत बेइज्जती हो गई यार। भाई थार भी तो बिक गई यार। अरे वो फॉर्च्यूनर भी थी ना, वो तो पहली चली गई। कुछ बचा अपने पास? कपड़े कपड़े। हेलो गाइस, तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो को जल्दी से लाइक करो और अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, तो प्लीज लाइक तो बनता है, जाके लाइक करना और कमेंट्स करो बहुत सारे। और हाँ मैं इंस्टाग्राम पे आ चुका हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके, ये मेरी आईडी है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और गाइस मैं कुछ हमेशा अलग अलग ट्राई करता रहता हूँ, तो आप लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगी और भी हम कुछ अलग अलग लाएंगे। और आपको कैसे टॉपिक चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।